Oh,
करो पूलन पे मुस्कान सो धीर बिहारी की जे जे राशि स्वरी दिन रेन रटू या मोहन की बनवारी की जे जे प्रेमिती बोलो और बोलती डोलो बोलो श्री रास बिहारी की जे जे जामा बनो जर तारी को सुंदर लाले ही वंदिया में जरद किनारी झालर दारे बनो पटका या मैं मोतिन की सब लागत प्यारी जैसी हूँ चाल चले ब्रज राज आहो बलिहारी श्री मौज तिहारी देखत नैना ताक रहे झुक झाके झरोका मैं बाके बिहारी लालई लाल के लालई लोचन लालई के मुख लालई वीरा लाल बनी कट काचनी लाल की लाल के शीश मुके सब चीरा लाल ही बागो सोवत सुंदर लाल खड़े यमु नाजी के तीरा गोविंद प्रभु की सोवा जो नरके लाल के कंठ विराजत हीरा हो Oh,
चमेली को गुच्छ रहो चुख न्यारो दो दल फूल कदम के कुंडल सीपती को जामा ही घूम घुमारो नव तुलसी पटका घन श्याम इचार गुलाब नवेली को नारो फूलन हार विचित्र बनो देखो कैसो समारो है प्यारी ने प्यारो नमोस वृंदावन शुद्राभ्याम हे वृंदावन के युगल स्वरूप श्री राधा माधव आप दोनों के चरण में हम सब से चरण को प्रणाम है और इतनो ही निवेदन है धारिये चरण चार यमुना पुलिन में एहो ये सखी सब विनती करे ताहे ना विसारिये सारी सकल फल काम ना जो रस रस की रसकन पिवाए सो जिवाए पुन पारिये पारिये पपैये नजन स्वाति बूंद बरसावो श्याम कमल कर उठाए भ्रे भ्यंग कुबे डारिये डारिये गली में गल बैया बनवारी श्याम राधिका कन्हैया आज रास में पधारी अच्छो सखी मैं अपनी किशोरी जूसो आज्ञा ले लो श्री राधा मेरी प्राणन हुसो हु प्यारी भूलो वो मानिना कीजिए सुंदरी हो तो शरण तिहारी हस चितने की बोली खुली घूंघट सारी जयश्री कमल नैन हित सुन प्रिय वरदीनी अंकवारी हे किशोरी जू आपकी नित्य रास बिहारी को समय है गयो है सो आप कृपा कर या नित्य रास में पधारो और या रास को रचो रचाओ नट नागर विश्व जागर सुख सागर है भगतन के हितकारी नारद सारद शेष शिवारद चाहते कृपा को तुम्हारी कर जोर बिनया विदसों करूं काई कु भार धरो गिरधारी बेग पधारो समझो भयो अब रास रचाओ श्री रास बिहारी पधारो प्यारे प्यारे रास बिलास को मोहे बड़ो उत्साह
पन नाचे नटनी कोरी बन नाचे नटनी को वाली नंद को लटक हरे मन की खटक प्यारे का तो छो
बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी सुंदर श्याम कमल दल लोचन संग प्रभान
सत लखो जो सुख वृंदावन तीन लोक में नाही बनना जे तेरे
सुदासी मैया हाँ श्याम उपमा दे दिल जइए नारायण या हो
पौलक रहे लुभार रूप में निर्घत आनंद रंग जैसी भट प्रेम रस बंधन क्यों छूटे मालूम है कि ठंड पड़ रही है, जरा जोर लगाओ।
बोलिए रास बिहारी भगवान की। चंद्र मिटे दिन कर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार ये रास बिहारी का रास बिहार ये न कभी मिटा है न कभी मिटेगा। हम जैसे आएंगे चले जाएंगे, पर भगवान का ये नित्य रास कभी ना मिटा है ना मिटेगा। इसी के साथ साथ दो मिनट प्रभु का नाम संकीर्तन बोलें, अपने मन वाणी को पवित्र करें। और आज बड़ी सुंदर लीला है, आज पटविन लीला है। पटविन लीला के हम सभी दर्शन करेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर निकुंज की लीलाएं हैं ये। जे जे श्यामा, जे जे श्याम, जे जे श्री वृंदावन धाम, जे जे श्यामा, जे जे श्याम, जय जय श्याम।
सूरज शीश चढ़ा प्यास स्वामी की छव निरखो विमल विमल यश बोला कि जरिया क्या है तेरा मुझसे मैं बोला कि त्रिगुण का है सहारा वो बोला परेशान हूँ तेरे मन से मैं बोला कि कह दे तू जीता मैं हारा जय पटविन। अब आप सोच रहे होंगे कि पटविन कैसी लीला है, तो पटविन का मतलब है कि जो हार आभूषण श्रृंगार आदि जो बनाते हैं ना, उनको पटविन कहते हैं। तो प्रभु श्री राज बिहारी श्री युगल सरकार राधा रानी के दर्शन करने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर, वैसे तो मर्यादा है, जा नहीं सकते राधा रानी के महलों में, लेकिन दर्शन बिना रह भी नहीं सकते। तो इसीलिए भगवान तरह तरह के छद्म धारण करते हैं, कभी जोगिन बनते हैं, कभी मनेहारिन बनते हैं, कभी नाहिन बनते हैं। तो ऐसे ही आज पटविन का भेष धारण करके श्री श्याम सुंदर राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। पटविन आप समझ ही गए होंगे, जो श्रृंगार हार बनाते हैं, कंठ हार या बाजूबंद वगैरह जो भी मोतियों के बनते हैं, जितने भी आभूषण, उनको पटविन कहते हैं। तो पटविन का वेश बना करके भगवान श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से लीला आ रहा है। श्री गुरु श्री गोविंद पद मंगल धर्म ध्यान मंगल श्री ब्रजराज घर जो पाऊं सम्मान सामल तन परम सुशीला लाई पटविन रज जो जुटीला भेष धरो है पटविन को बिहारी जी भेष धरो मैं बड़ी
पूछेगी के ना अंदर घुसी जा रही है द्वारपाल मोए भीतर जो जान दे तुम तज दे ओ हट जो हटीला। अरे सखियों अब आते यहां पे अट जा मुगु भीतर जान दे। अरे हट काए कूजा में हम तो यहीं खड़ी रहेंगी हमारो तो यही काम है सवेरे ते सांझ तक और सांझ ते सवेरे तक हम यही खड़ी रहे। और सुन तो जैसी तू पहली बार ना आई ना रोज आवे रोज हम भगा में चले देखी निपट नहीं चंचल सी तो जान नहीं दे हो है तुन आई सी क्यों तेरो ये बचन मान सुन। मैंने तो तू या ब्रज में आज तक नहीं देखी मुकु तो तू कछु नई नई सी लग रही है और बड़ी छमक छल्लू की तरह मटक 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 मक्की चल रही है। अरे कहा नाम है तेरा? मैं नई ना हूं मैं पुरानी हूं। अच्छा हां तू ना जाने कछु कछु पुरानी हूं तू ना जाने मुए हम तो भीतर ना जानेंगे। मैं तो भीतर जाऊंगा। मोसी हूं को नाम धरत है ये किन तो सीख सिखाई और तनक दया कर दे समारे बढ़िया सा कर में आई। अरे सखी तू तो बड़ी ढीट है मूतजन का कह रही है मैं तो आज ये बड़ी आशा लेके आई कि मैं भीतर मेलन में जाऊंगी अपनी इन रेशम के चुटीलन को बेचूंगी कछु दो पैसा कमा के घर आऊंगी। पर तू कैसी है मुकु भीतर मेलन में ना जाने नाम आशा लेके आई नाम बताऊं खाए कहा नाम मेरा नाम है सुशीला। नाम सुशीला धरो विप्र किन सुशीला। हां अरे सखी हां मेरा नाम है सुशीला और मैं घर घर बेचू चुटीला। मैं तुझे एक बात पूछूं तू मोकू ये बता नाम सुशीला धरो विप्र किन कहतो तुरे बिना ले भाजेगी वस्तु राज की मैं परखे तो नैना। ये बता तेरो नाम सुशीला कौन से पंडित ने रख दियो? अरे बाप पंडित जाए के मैं पूछूंगी के या में सुशीला जैसे कहा गुड़ हैं जो आपने या को नाम सुशीला रख दियो न्यो बता।
हाँ कागुल नहीं। अरे सरू देखियो मेरे सब रेगुल लटक रहे हैं लेके। अच्छा राजमहल में बड़ी 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 सर्वप्रथम तो सुशीला के अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए और तेरे तेरे अंदर तो नेको है ही ना है। और सुन या के नेना कछु बता साची कह रही है जी तुम्हें सहन शक्ति नेको ना है। हाँ और सुन ये राजभवन है यहाँ अनेकानेक महंगी महंगी वस्तु पड़ी रहे और मुझ तो तेरो विश्वास है ना है। कहूँ तू हमारी बहुमूल्य वस्तु उनको लेके भाग गई तो क्योंकि तेरी नैना तो ऐसी कह रही रावर माई जात है रूर कि किन है तो ही बुलाई ताहू पे सतरात गांठ की खर्चन है चतुराई। और ये बता तो अंदर महल में घुसी चली जा रही है तो को यहाँ बुलायो कोने। हाँ उसर बैठ धीरज धर मन में जो तो माही भलाई ये बर जोरी सी कीर ये करत बिना समझे ते धूम मचाई। एक तो तू यहाँ बिना बुलाई आ गई है फिर इठलाए के बोल रही है तू कौन ने बुलाया जा सुन यहाँ बैठ जा चुपचाप के आज्ञा कीरत जूते के कीरत की जाई भीतर जान दूंगी तब ही मोहे प्रसभान दुहाई। और सुन यदि तेरे अंदर नेकू सज्जनता है ना तो यहाँ बैठ जा मैं तुकू भीतर ऐसे ना जान दूंगी भीतर पता तू कब जावेगी या तो कीरत रानी आज्ञा दे तब जावेगी और यदि कीरत रानी आज्ञा ना दे उनकी लाडली श्री राधा आज्ञा दे दे तो तू महल में चली जाएगी और यदि बहु आज्ञा ना दे तो ब्रसभान बाबा आज्ञा दे जब ही तू अंदर जावेगी नहीं तो मुझ ब्रसभान बाबा की दुहाई है तो महलन में जान नहीं दूंगी। अरे मोए महलन भीतर जान दे मैं चुटी ला लेके आई Yeah.
सिला कितनी रेशम की है। अच्छा, और इन चुटकुलन में अपने हाथों से बनाऊं तो रेशम के चुट्टी लई माला फालो है कछु मुंह पे सब है मते मोतीन की माला है। अच्छा, ये तेने बनाई है क्या? सब मैंने बनाई है माला, तेने बड़ी अच्छी बनाई और का पहना है मुंह पे आवे। अच्छा, झटपट तू आ गया ले आरी मोए बहुत तेर बेर मारी। झटपट तू आ गया ले आरी मोए बहुत तेर बेर मारी। अरे मोए मुदी तू है ब्रसवान दुलारी लाऊंगी रिज रिझाई। तू ये बता, तू इतनी देर से चटर पटर भूल रही है, तू यहाँ बुलायो कौन है? और मुझ तो तू ऐसी लगे कि तू नंदगांव ते आई है, जब इतनी ढीठ है हमने तू ते इतनी बात कह लई फिर तू यहाँ ते जाए ना रही। तू नंदगांव की है का? वही के रे इतने ढीठ, तो हमारे बरसाने में तो ऐसा कोई ना है। कैसे है नंदगांव घर बसे काहे है तो सुलगावे दन्य पौर पालक तू नपके इन गिन गुण क्यों मन भावे। यो बता नंदगाम ने तेरो का बिगाड़ो? मेरा तो कछु ना बिगाड़ो, कछु ना बिगाड़ो, कछु ना बिगाड़ो। भाई केरी नंदगाम के बारे में तू काय में नंदगाम से ही कहूं की सही में। अच्छा, तू चटीला ले रही है ना ले रही? बड़ी बड़ाई जान न दे हो फिर जे हो पाछे जो सुन पावे भान सुता बुलवाए लेंगी तो आछे। अरे सखी या बात तू किशोरी जू को पता चल गई ना मैं चुटीला वारी भार ठाड़ी। अच्छा हाँ, किशोरी जू ना मुकू भीतर बुलाए के अपने समीप बैठाई लेंगे फिर तू या मोड़े ते देखती रही हो है ना। जय ते देखूंगी दूसरों कहाँ ते लाऊंगी दूसरा ले लिए पतो ना कहाँ। इतने ही आई चित्रा ये पूजत तू जो कहा की है मोसो कह दे ब्योरो सुंदरी तो ले चलो संग ले री। मुकु तो वैसी आवार है रही पतो ना ई और कहाँ ते आएगा। अरे पटवन तू कहाँ ते आई है कहा कहनो चावे तू मोकू बता मैं तो को भीतर महलन में ले चलूंगी। ले चलो ललता जी आप ऐसे कर दे। मैं हूँ कहना पोवन बारी सब बन तन की प्यारी गिन गिन नाम धरत मोको यह पौरी को अधिकारी। चित्राजू मैं घेनी पुवन वारी हूँ और ये सब गोपी बैठी है ना ये मोती बड़ो ही इसने करे और ये ना ये तो मेरे तरह तरह के नाम और धर रही है और एक जेरई ये तो खड़ी है खम्मा ये तो बिल्कुल जा कच का कह रही थी मोते अब यो अब का कह रही थी मोते वो खम्मा बता रही है ये गुआड़ जा वो खम्मा बता रही है चुटला घुमा घुमा तेरे।
हरी सखी तो बड़ी चतुर दिख रही है, मैं तो कोई ढूंढ रही हरी सखी मैं हूँ कहना तो बनहारी और सब बन तन की प्यारी गिन गिन नाम धरत मोह को ये पौरी की अधिकारी जो खी मखतूल जो तोपे अरो रेशम रंग रूरो ले जा कर सवहन चहियत केश बांध बे अरी सखी अरी सखी मैं तोकू ढूंढ रही और तू ही मिल गई, अब तू मेरे संग भीतर महलन में चल। हे चित्राज आप भीतर महलन में ले चला सेनन माही बताई जोर माही सबे मो पे हो पाए परे कर जोर ले चल जो बल बल हो तो पटविन तेरे पास कैसे कैसे चुटीला हैं तू मुख बता। अरे चित्राजू मैं आपके चित्राजू मुंह पे बड़ी सुंदर सुंदर चुटीला हैं और चित्राजू आप मुंह को भीतर मेलन में ले चलोगी ना तो मैं आपको गुण और एहसास कबूल ना तो किशोरी जी तू पे पसंद है जाएंगी तू भीतर महलन में चल ले चल ले मान दे ब्रसवानंदनी है हमारी लाड लड़ेती श्री राधा उनको प्रणाम कर यदि तू उनको प्रणाम करेगी ना तो प्रसन्न है जाएंगी फिर तो तेरा काम सहज में ही बन जाएगा। मैं सबरी के प्रणाम कर दूंगी सबरी प्रसन्न है जाएंगी। सवन के नायक जी सबरी बेसहूरे केवल उनके ही कर श्री राधा सखी मोक तो तू ही समझदार सी लग रही है तो सबरी वैसे प्रणाम कर ले जल्दी मैं आपकी पामन लागू प्रसन्न रहे नीची बनो रहे जय जय भैया नीची नीची ग्रीवा छवि की सीवा कछु चितवत तिरछो ही संगत भली भलो पुल पे ये तीखत निपट लजो ही। अरे सखियो तुम या पटवेनी को तो देखो ये है नीची दृष्टि को करके मेरी माऊ नेक नेक देख रही है। अरे पटवेन तू आ बैठ तू मोई अच्छी घर की लगे है काऊ बड़े घर की बेटी लगे है आज्ञा करी बैठी तू सुंदरी लाई भेंट भली है ये पटविन तो तू कहत लगत मोए मानो नपत लली है। अरे पटविन तू तो राज दुलारी है और बहुत अच्छी भेंट लाई है लायक तुम कहो कहो बात बड़ी मोह बिसत नहीं थी आशा लागी फिरो नगर में घर घर फेरी देती हे किशोरी जो आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही हो मैं तो एक चुटीला बीच भी वारी हूँ मैं तो नगर नगर में चुटीला बेचू और दो पैसा कमाऊं श्री राधे जी पूछ भी लगी सास ननद कैसी है तेरी तो कैसी दौर जिठानी और कैसो पति परिवार मिलो तो तू के
कह दे सांची वाणी। अरे पटविन तू मुकू एक बात तो बता, तेरी सास ननद कैसी है और तेरी घर की तेरी दौरानी जिठानी कैसी है और तेरो आदमी तूते प्रेम करे के नाई, कहूं तुकु मारे तो नहीं है, तुकु कैसो घर परिवार मिलो है, नेक बता तो सही। साच कहे निंदा सी लागे सास ननद है ऐसी, पानी मांगत बाहन बाहे करो पढ़ाई कैसी। अरे सखी मैं तुमको सांची सांची बताऊंगी ना, तुमने की होगी कि निंदा कर रही है। नहीं तू सांची बताई दे। सांची बताऊं? हाँ। अरे सखी जो मेरी सास और नंद है ना, अच्छा वे तो ऐसी हैं, मैं उनके पीवे को पानी मांगू ना, अच्छा तो वो मुको पानी उनाए दी। अरे राम राम। फिर तो इन जैसी उंगली बैठी कहाँ है? पति मेरो मन लिए चलत है ओ जी पिवावे पानी, स्वार्थ को परिवार सगयो अभिमानी जो रुझठानी। अरे सखी जो मेरा पति है ना, ना सुन नहीं? हाँ सुन नहीं। जो मेरा पति है ना, मैं तो मुंह बड़ो ही इसलिए करे, अच्छा मुख में पानी की कहूँ ना तो मुको पानी पिवावे है। ओहो, और जो दौरानी जिठानी है ना, हाँ। वो तो बड़ी बुरी है, अवमानी अवमानी है, सब में अवमानी है। अरे सखी ये तो सारत को है सब। हस हस सवे लगी धुक अंकनी, पटविन मिली खिलौना, अपने गुण सो और बचे थे पति को कियो टोना। अरे बहन पटविन जो तेरी घर परिवार की है ना, वह तो तेरी जादू टोनाती बच गए हैं, पर जो तेरो आदमी है ना वो तेरी जादू टोनाती नहीं बच पायो है, यही के मारे तेरी कही माने। अरे सखियो मैंने तुमको सांची सांची बताई तो तुम हंस रही हो, बताओ तुम कैसी हो? हंस रही हो? सखी करो जिन हासिया की है जो विदेश न भोरी, और तुरंत कह दई अपने मन की ये बात न राखी चोरी। अरे सखियो तुमने आसो सांची सांची पूछी, यानी तुमको सब बात सांची सांची बताई, अब तुम याकी हसी काय को उड़ा रही हो। किशोरी जो ये मेरे मुंह हंस रही है। अरे सखी कौन कौन से नगर जात है, कौन कौन से गृहा, हम बूझत हैं तो हिरणी की ठाद को सने। अरे सखी हाँ किशोरी मैं तोते एक बात पूछूं। पूछो लाड़ी। अरे सखी तू कौन कौन से नगर में जाए है और कौन कौन के घर में जाए है, और तोते अधिक प्रेम कौन करे है? नैनन में मुस्काए रही चुप उत्तर कछु नहीं दियो, तब चित्रा ने हाथ पकड़ के बहुत निहोरो कियो। अरे नैनन में मुस्कुरा काहे को रही है, लाडली जू ने तूते कछु पूछो है, बाको उत्तर क्यों नहीं दे रही है, कछु तो बोल। न्यो बताओ ना तो तुम हसन दियो और ना ही रोन दियो, मैं करूं तो करूं। अरे लाडली जू ने तूते कछु पूछो है, मेरो हित नंद काम बहुत है, मेरो हित नंद काम बहुत है, कहाँ राखो अब मोटा, कहाँ राखो अब मोटा, सब ही मैं
बड़ो ही आदर करे है और सब मूर्ति बड़ो ही स्नेह करे है और जो प्यारी श्याम सुंदर है ना आठ तागुरी मेरे कर की पहर मोद अति मान माला रीज पुहाई कहे आवन जो बेग बरसान हे किशोरी जू वे प्यारी श्याम सुंदर मेरे हाथ की बनी तागड़ी को पहरे हैं और किशोरी जू जो मैं माला पूना पूके बनाऊ हूँ प्यारी श्याम सुंदर वाय पहर के बीवीर बरसानी आवी की लालसा रखी है राज कुमार सुंदर सुशील सबही के मन भामे बरसाने को नाम सुनत ही दुगन नीर भरे आवे हे किशोरी जू प्यारी श्याम सुंदर बड़ी ही सुशील हैं और किशोरी जू जब प्यारी श्याम सुंदर बरसाने को नाम सुन लेना तो उनकी नैनन में जल आ जाए किशोरी जू आरज संग मान अपनी मन वेहनत रुको रहे री और गृह बन फिरे तो बाको चित याही और बहरी ही किशोरी जू वे अपनी बड़ी बूढ़ीन को मान रखे या वन में फिरती भई डोले हैं और मन में कामना रखे हैं कि मुकु लाडली जोखी दर्शन कब मैं देखो टटोई सब अंगन दुल्हन ही रंग रंग रचो बाल काल ते ब्याह सगाई हे तो मन नटवा नाचो हे किशोरी जो प्यारी श्याम सुंदर बाल काल सो ही ब्याह की बड़ी उत्सुक हुई है बड़ी खुश हुई है ब्याह को नाम सुन बहुत रचत उद्यम जो श्याम घन राधा रूप उमा है और कुमार कहो तरण छिए तो देखे बिन त्रग कल नाहे हे किशोरी जू मैं तरण की सौगंधे खाई रही हूँ प्यारी की मुंह पे तो कही ना जाए प्यारी बड़ी हो तो घाबरी अब जिन आगे बूझे प्रेम बली जिन मोहि दबावे ऐसी मन गति सूझे हे किशोरी जू अब याती आगे आप मुँह सो कुछ मत सुन सखी दशा होत जब प्रेम की सुन सखी दशा होत जब प्रेम की सुन सखी दशा सकल चंचलता मन की मिटत सकल परत चित आनंद सिंधु में परत सखी
दशा होत जब प्रेम की सुन सकी नेत्रा आदि लगत सब नीरस खटक आदि लगत सब नीरस खटक विषय कथा कही प्रीतम की सबको प्रेम भिजायो ये समुझ सकुच मोहराबत प्यारी तो करो भरायो ये ललिता कहते कौन दिन सजनी तू नदगाम गई री कौन भात पीतम के मन की ते सब बात लईरी अरी बहन पटविन तू कौन से दिन नंदगाम को गई और प्यारी श्याम सुंदर ने तुकु यह बात कब बताई इतनो तो मैं हूँ परखी है गाड़ी हिलग नहीं सजन सगारथ कठिन लोक विध रहे आ रही थी अरे वीर अपने सगी संबंधिन के बीच में लोक की लज्जा और कुल की कान को मर्यादा रखते भई घूंघट के अंदर तेने अपने हृदय से प्यारी श्याम सुंदर की बात सुनी या फिर उनने अपने मुखार बिंद सो तुकु यह बात बताई तेरी तू पटविन और उन अंतर की बात जो कैसे जानी कहते कछु विद्या बल के मोहन मुख आप बखानी अरे पटविन तू प्यारी श्याम सुंदर की हृदय की बात को कैसे जान गई कि प्यारी श्याम सुंदर ने तुकु स्वयं अपने मुख सो बताई ही
या तू पे ऐसी कोई विद्या है कि तू सबके हृदय की बात को जान ले। अरी सखियों देखो या पटविन की बात को सुन के हमारी लाडली जू बेहोश रहती जा रही है, आप जल लेके आओ और रख दीजिए। समझ करत उपचार लख परे और उर्जन की बातें, रोम रोम की प्रीतम के प्यारी सुंदर शिव सने क्यों न्यार रह सके सखी ये एक प्राण द्वे देहा। अरी सखियों यह तो पटवी नहीं, यह तो स्वाम स्वयं प्यारी श्याम सुंदर है और यह दोनों अधिक प्रेम करे हैं, या सो यह अलग नहीं रह सके। ये प्रीत की रीत रही लोही प्राण और दूध ही है ही प्यारी जू आप चीत करो। सावधान करवाए सहेली
सरकार की। मैं ये कहाँ आ गए हो? कहाँ आ गए? अरे सही जगह पे आए तुम। हाँ जय जय श्री राम। सभी प्रेम से बोले, बोलिए श्री युगल सरकार की। ये है साचो भाव, भगवान स्वयं भूल गए और कह रहे कि मैं कहाँ आया। सब सखी ने याद दिलाई कि आप सही स्थान पे आए, प्यारी जी के दर्शन है गे। हम सब भी श्री युगल सरकार के दर्शन भे, लीला का विश्राम है। अब सभी आरती करें। भारत अलि मृग नैनी आरती, भारत अलि मृग नैनी, भारत निज से चरित इच्छा अनुसार समझ से